हाय स्टूडेंट्स, दिन थोड़े से ज्यादा निकल चुके हैं और मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलूं ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर अभी तक आपने 2022 को एक नया साल मान के अपनी फ्रेश प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो वीडियो के एंड में आपको हैप्पी न्यू ईयर जरूर बोलूंगा। और कोशिश करना कि इस वीडियो को पूरे एंड तक देख के आप इस साल को यानी कि बीते हुए 10 दिन को एक सच्ची में नया साल मान के इस पे अगर एक्शन लोगे तो बहुत बहुत अमेजिंग होने वाला है। इस वीडियो में जनरली मैं सारे शेड्यूल्स की बात करता हूँ, 30 डेज, 50 डेज, 5 मंथ्स, ग्रेजुअली बातें भी करूंगा। एक वीडियो 5 मंथ शेड्यूल पे बनाई भी थी लास्ट टाइम, बट नया साल है इसलिए सब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्कशन करना चाहूंगा। सिर्फ केमिस्ट्री ओरिएंटेशन में बताना चाहूंगा कि जनवरी आपके लिए कैसे एक चेंजिंग मंथ हो सकता है, सही में हैप्पी जनवरी हो सकता है, सही में ऐसा कुछ हो सकता है कि नए साल में मुझे ये कॉन्फिडेंस मिले कि यस, नीट 2022 मेरे लिए ही बना है। ऐसा क्या हो जाए 2022 में कि मैं नीट 2022 अपने लेवल पे क्वालिफाई कर सकूं? इसी चीज को लेके केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव में मैं आपसे आज बात करने आया हूं। वीडियो दोनों बच्चों के लिए है, आप उड़ान के स्टूडेंट हैं या नहीं है, बट इस 10-15-20 मिनट की वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि ये आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगी। सिर्फ इतनी सी बात मैं आपको बोलूंगा, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं कि केमिस्ट्री शेड्यूल फॉर नीट, तो अगर आप उड़ान के स्टूडेंट हैं तो आप ऑलरेडी किसी बैच में होंगे, संजीवनी, रैंकर, लीडर, वॉरियर, व्हाट एवर बैचेस में भी आप हैं, बट मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा केमिस्ट्री 2022। एंड व्हेन आई से केमिस्ट्री 2022, मैं अभी से आपको बोलूंगा कि दिस इज जस्ट स्केप्टिकल कि पेपर कब होगा। कह नहीं सकते कि पेपर अप्रैल में होगा या मई में होगा या जून में होगा, कभी भी होगा। वी होप जब आप चाहें तब हो। एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि पेपर होगा मई 2022, एंड दैट इज जस्ट एक्सपेक्टेड। ओके, नॉट श्योर, इस पे स्टार लगा देते हैं, ठीक है? बट दैट मीन्स आई हैव लिटरली 4 मंथ्स लेफ्ट, 4 4.5 मंथ्स, दैट स्टार्ट्स विद जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल एंड ऑब्वियसली मई, क्योंकि 1 मई का तो पेपर नहीं होगा या जब भी। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद ओनली 4 मंथ्स, लिटरली सीरियसली 4 मंथ्स रह गए हैं। अगर यहां तक की बात करूं जब हम पढ़ने वाले हैं, इट्स ओनली ऑलमोस्ट वी आर लेफ्ट विद 120 डेज, ऑलमोस्ट 120 डेज इज ओनली दैट यू हैव फॉर नीट 2022 इफ द पेपर हैपन्स टू बी एज एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है? मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप केमिस्ट्री को इन 4 महीनों में बांट दीजिए। आप केमिस्ट्री को इन 4 महीनों में बांट दीजिए, और आप कैसे बांटेंगे अगले 10 मिनट में आप समझ जाओगे। और अगर अगले 10 मिनट के बाद आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, आपको चेंज रियलाइज होना शुरू हो जाएगा। कैसे करने वाले हैं ये देखिएगा बच्चे। केमिस्ट्री में इन टोटल आई हैव 30 चैप्टर्स, ओके, 30 चैप्टर्स, जिसमें से कुछ चैप्टर्स नकली चैप्टर्स हैं। ऐसे क्लैरिफाई करते हैं, कुछ असली असली, कुछ नकली, ठीक है? एनीबडी हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, नकली मींस इस चैप्टर, ओके? इफ आई से नकली चैप्टर्स, व्हाट आई कॉल नकली इन टर्म्स ऑफ द सिलेबस दैट आई हैव, आई से नंबर 1 इज पीरियोडिक। Why? Because periodic classification, you read it, you do not read it, you get to see the questions from S block, P block, D block, F block and periodic का सारा revision इन chapters में हो जाता है। आप उल्टा समझना चाहें कि जी periodic तो foundation stone है, तो भी periodic एक normal reading chapter है,
पीरियोडिक में आपको रिसर्च नहीं करनी होती, जेडी ली पढ़ के अपने आप को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भगवान नहीं समझना होता, ठीक है? इट्स एज सिंपल एज दैट। हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भगवान बनने के लिए नीट की तैयारी नहीं करने वाले। ये एक नकली चैप्टर, ठीक है? बुक वन क्लास 11th में पीरियोडिक के अलावा कोई चैप्टर नकली नहीं मिलता, लेकिन बुक टू में आते ही हाइड्रोजन चैप्टर मुझे बहुत आसान मिलता है। हाइड्रोजन के बाद मुझे मिलता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, विच इज वेरी वेरी इजी। ऑलराइट, और कोई अगर चाहे तो मैं कभी भी नहीं बोलता एस ब्लॉक पी ब्लॉक नकली नहीं है, पढ़ने पड़ते हैं, यू हैव टू गो थ्रू देम। स्टिल एस ब्लॉक इज ओनली टू ब्लॉक्स, वी विल स्टडी देम यूट्यूब लाइव वेरी सून, बट देन इट्स अ गुड चैप्टर, ठीक है? ये तीन चैप्टर्स क्लास 11th में है। क्लास 12th में जब जाएंगे, क्लास 12th बुक वन सॉलिड सॉल्यूशंस इलेक्ट्रॉन नो, काइनेटिक्स नो, सरफेस नो, आइसोलेशन, यस आइसोलेशन को मानना पड़ेगा। बिल्कुल थियोरेटिकल चैप्टर है, कुछ भी मतलब बहुत मिनिमलिस्टिक काम आपको करना है अपनी नीट की तैयारी के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी रीड करनी है, बस बात खत्म, ठीक है? जब आप बुक टू में जाएंगे, हैलो वेलको एल्डिहाइड्स कुछ नहीं कर सकते, पॉलीमर्स बायोमोलिक्यूल स्टिल टफ टू डू, एंड देन यू हैव केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ। ठीक है, तो ये पांच चैप्टर्स जो आपको मिलते हैं, पांच चैप्टर्स आपको बहुत आसान शब्दों में ये बोलूंगा कि दे रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। बचे कितने? टोटल 25 चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं, जो आपको पढ़ने हैं। लेट 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 फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर बी द ऑर्गेनिक मंथ। When I say organic month, I literally mean organic chemistry. What do I mean with this word? When I say organic month, I mean by January, you should be done with the GOC, with hydrocarbons. Number three, haloalkanes and haloarenes. Means class 12th book 2 I am on. Then I should be done with alkophenol ether. Parallelly, I need to be over with aldi keto acids. I should be able to do amines as well, lasting up with biomolecules and polymers together. In short, January brings me a short-term target of 8 chapters. Because with these 8 chapters, it's tough to believe, but these 8 chapters almost gives me 15 to 16 questions in my NEET paper. Organic chemistry is technically one third. One third means 15 questions. They can give you almost 18 as well. 17-18 सवाल आप जनवरी में तैयार कर सकते हैं अगर आपने इसको नया साल मान लिया तो, ठीक है? नया साल मान लिया तो 15-16 क्वेश्चन। सर अब हम इसको करें कैसे? सर जनवरी में पढ़ने के लिए, जनवरी में पढ़ने के लिए जो मेरा सोर्स है, दैट इज नंबर वन एनसीईआरटी। दिस इज एन इनएविटेबल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर इससे नहीं बच सकते, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एनसीईआरटी को रीड करना ही होगा, प्लस एक्सरसाइज सॉल्व, रीड प्लस एक्सरसाइज सॉल्व। सर आप एनसीईआरटी रीड करिए और एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, इससे नहीं बच पाएंगे, क्वेश्चंस इसी में से आना है। द टाइम यू आर डन विद दिस, नंबर टू आई ब्रिंग फॉर यू, एनसीईआरटी रीड कर लिया, एनसीईआरटी सॉल्व कर लिया, पी वाई क्यूज ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर के बिना बचे। अल्कोहल लाओ, एलडी लाओ, अमाइन्स लाओ, जो चैप्टर आपके सामने आ जाए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगाना शुरू कर दिए। खट 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 खट, 31 जनवरी तक ऑर्गेनिक के भगवान बन जाएंगे, जो नीट 2022 में ऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कराएगा। ठीक है, अब बचा थर्ड, ये है गिफ्ट ऑफ 2022। वी विल हैव रेगुलर रिविजन एंड क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन ऑन यूट्यूब फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए अब हम आ रहे हैं यूट्यूब पे जनवरी टारगेट लेके, जहां पे हम ऑलमोस्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट, टू शॉट, थ्री शॉट, फोर शॉट में चैप्टर्स को पढ़ के उनके क्वेश्चंस बनाएंगे, और उनके क्वेश्चंस बना के उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर, उनकी एनसीईआरटी भी रीड, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खात्मा। यानी कि 31 जनवरी को मुझे मेरा गिफ्ट होना चाहिए, हर बच्चे को अपना गिफ्ट होना चाहिए ऑर्गेनिक कंप्लीट ओवर एंड आउट। ठीक है, जैसे ही जनवरी में ये कमाल हो गया, आ गया फेब्रुवरी। लेकिन फेब्रुवरी में तो सर मैं बिजी हूं, मेरा वैलेंटाइंस डे आता है, मेरा रोज डे, मेरा हग डे, मेरा किस डे। रुकिए, मुझे पता है कि फेब्रुवरी में आपके पास दिन कम है, और अगर आपने जनवरी में पूरे रिमेनिंग 21 डेज मेहनत करी है, तो फेब्रुवरी में आपसे सिर्फ 20 दिन मांगूंगा, 20 डेज। एंड 20 डेज आई रिक्वेस्ट यू टू टेक फ्यू अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। मीन्स आई रिक्वेस्ट यू टू टेक इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, डू टेक इट व्हाट, फिजिकल 5 एंड नकली 5 एंड इजी 5। When I say easy 5, I mean to say these chapters, periodic, hydrogen environment, isolation, chemistry. Leave it on February. Don't worry, let February be an easy month for you. ठीक है, लेकिन when I say physical 5, I mean good chapters. What good chapters? Sir, physical 5 means it will be really helpful if in the month of February, I take up atomic plus. Jump to book 2, book 1 class 12, solid plus solutions plus kinetics plus electro. How many are there? 1, 2, 3, 4, and 5. Out. Nothing else. These 5 chapters in February, along with the 5 chapters which are not at all important, which can be taken maybe 1.5 chapters a day. Because it's only NCERT reading, that is why I'm telling you. It's only NCERT reading, 1.5 chapters per day of the non-important chapters is possible. ठीक है, so how do I make it? Now February, what is gonna be my source? Sir, here the source will be a little different. When it turns to physical chem, I need to solve a little more questions. Source NCERT reading is must, that you cannot escape. NCERT read is a 3-cloud, 3-star thing which you have to do, no doubt in that. Obviously, solve NCERT is another thing because 2021 has proved you cannot escape NCERT solving for physical chemistry as well. But yes, you need to practice here minimum 100 questions per chapter from any book that you have. From any book, like whatsoever, you have RLS, you have MTG, you have Cengage, you have anything. 100 questions, objective questions per chapter is a minimum thing in these 5 chapters. You feel ye 5 chapters bahut kam hai February ke liye. Other alternates that you have to finish up is mole concept. Is mole concept plus what you have is mole concept plus states of matter. Plus, what you have? Mole concept, states of matter,
देन इट्स थर्मो, देन इक्विलिब्रियम एंड देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ऑलमोस्ट दीज आर द चैप्टर्स दैट स्टिल रिमेन विद यू आफ्टर द फेब्रुवरी मंथ. आई एम नॉट एट ऑल बर्डनिंग यू एट ऑल, बट यू विल रियलाइज, जो शायद आपने ना देखा हो, अपने जनवरी मंथ के बाद या फेब्रुवरी मंथ के बाद, जब आपने, व्हेन यू आर डन विद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एज वेल, यू विल रियलाइज दैट योर बुक टू क्लास 12th इज ओवर. यू विल रियलाइज दैट योर बुक टू क्लास 12th इज ओवर बाय द एंड ऑफ फेब्रुवरी. नाउ दिस इज समथिंग रिलैक्सिंग. नाउ दिस इज समथिंग रिलैक्सिंग, आई एम टेलिंग यू, दिस फील्स वेरी वेरी गुड. नाउ टर्न्स द मंथ ऑफ मार्च. नाउ मार्च इज गोना बी अ वेरी डायनामिक मंथ फॉर मी, बिकॉज मार्च इज अगेन 31 days. फेब्रुवरी आई हैव केप्ट अ लिटिल स्लो फॉर यू. फेब्रुवरी आई हैव केप्ट अ वेरी लाइट मंथ, राइट? 31 days. एंड व्हेन आई से 31 days, नाउ दिस हैज टू कम वेरी स्ट्रिक्टली, मीन्स इट कम्स फॉर 15 days फॉर फिजिकल, 15 days फॉर फिजिकल एंड अनदर 16 days फॉर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक. नाउ दिस नेक्स्ट 16 days आर रियली गेम चेंजिंग. आई एम टेलिंग यू दैट फॉर इनऑर्गेनिक 16 days विल रियली चेंज द गेम फॉर यू, बिकॉज 16 days विल बी स्टार्टिंग विद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बोथ 11th एंड 12th. विल टेक यू मिनिमम 2.5 3 days टू सॉल्व. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड विद दिस यू आर डन विद इनऑर्गेनिक ऑल्सो. यू डन विद इनऑर्गेनिक, इट सीम्स हाउ इज दिस पॉसिबल, बट यू आर एक्चुअली डन. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ओवर, बिकॉज पीरियोडिक वॉज अ नकली चैप्टर, आइसोलेशन वॉज नकली, एंड देन दिस वन एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री इन एवरीडे व्हाट्स एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वी हैव ऑल एक्सक्लूडेड फ्रॉम दीज थिंग्स. ठीक है, मोर और लेस यू आर डन विद द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कुछ इक्का दुक्का बचा होगा, अभी देख भी लेंगे, गिना भी दूंगा सारे चैप्टर्स कैसे पूरे हो रहे हैं. ठीक है, दिस इज अबाउट इनऑर्गेनिक 16 days. व्हेन इट कम्स टू इनऑर्गेनिक, प्लीज डोंट डिविएट फ्रॉम एनसीईआरटी रीडिंग. आपको लग रहा होगा कि सर हर चीज में एनसीईआरटी रीड करने को बोल रहे हैं. माई हम्बल रिक्वेस्ट यू, रीडिंग करने के लिए एनसीआरटी से ऊपर किसी बुक में मत जाइएगा. एनसीआरटी सॉल्व प्लस मिनिमम 100 to 150 questions फ्रॉम एनी बुक. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो वुड नीड अ लिटिल मोर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक वर्ड के होते हैं. 100 150 सवाल पर चैप्टर हमें करने ही होंगे किसी भी किताब से. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे बच सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक के कि आप चाहें तो बच भी जाएं. फिजिकल और इनऑर्गेनिक में नहीं बच सकते. अब जो ये बचा था 15 days फिजिकल के नाम पे, यहां कुछ कुछ नकली नकली बातें करते हैं. जैसे सर यहां सरफेस केमिस्ट्री रीड करने को बोलिए, सरफेस केमिस्ट्री एकदम नकली. आई कुड हैव मेड इट हियर ऑल्सो इन द इनऑर्गेनिक पार्ट, बट ओके, देर आर मेनी बुक्स विच क्लासिफाई सर्फेस इन फिजिकल केमिस्ट्री, सो आई नो डाउट इन दैट एज वेल. ठीक है, अब बचा क्या, 1 2 3 4 और 5. यस, आई कुड हैव टोल्ड यू इन दिस यू कुड हैव डन रिडॉक्स एज वेल. ठीक है, दो चैप्टर खत्म हो गए, 3 दिन लगा दिए, 4 दिन लगा दिए, मर्जी आपकी. हैंडल 3 out of 5 chapters मेंशन अबाउट, लेट अस डिस्कस मोल कॉन्सेप्ट. लेट अस डिस्कस आफ्टर मोल कॉन्सेप्ट, लेट अस डिस्कस समथिंग विच इज कॉल्ड एज स्टेट्स ऑफ मैटर. आफ्टर स्टेट्स ऑफ मैटर लेट मी डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड दैट्स ऑल. दिस इज ऑल अबाउट फॉर द मार्च मंथ. आई हैव नथिंग. नाउ आफ्टर मार्च मंथ यू विल रियलाइज द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट फॉर यू इज थर्मो प्लस इक्विलिब्रियम. आप पूरा एनसीईआरटी पलट के देख लीजिए. इन द मंथ ऑफ अप्रैल यू आर ओनली लेफ्ट विद
ओनली लेफ्ट विद थर्मो एंड इक्विलिब्रियम दैट यू टेक 7 days, दैट इज द फर्स्ट वीक. रेस्ट डू यू रियलाइज द नेक्स्ट 25 days ऑफ अप्रैल आर सिंपली योर पेपर सॉल्विंग एंड रिविजन. यू हैव इनफ क्वेश्चन ऑफ 25 days टू रिवाइज योर एंटायर केमिस्ट्री स्टफ फॉर नीट. ये तब है जब 1 मई को पेपर हो जाए तब. अगर मैं बोलूं कि पेपर हल्का सा खिसक के 1 जून को हो गया, यू हैव 60 days ऑफ रिविजन. यू रियलाइज 60 days ऑफ रिविजन इफ पेपर हैपन्स टू बी इन लेट मे, नियर एंड ऑफ मे और से स्टार्टिंग ऑफ जनवरी. भाई 60 दिन की रिवीजन अगर आपके पास है और अगर आपने ऐसा ऐसा काम किया है ना, इतना आपने अगर होमवर्क कर लिया है अगले 3 महीने में, तो दुनिया में आपको कोई नीट 2022 क्रैक करने से नहीं रोक सकता. छोटे छोटे टारगेट बनाइए, जनवरी को जनवरी से मीट करिए, फरवरी को फरवरी से. चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री में चाहे तो शफल कर लीजिए, बट जनवरी को ऑर्गेनिक महीना लेके आगे चलेंगे. मैं ग्रेजुअली आपसे हर दूसरे तीसरे दिन आपसे यूट्यूब पे मिलूंगा, क्वेश्चन सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट सॉल्विंग, कुछ कुछ बातें आपसे करने के लिए यूट्यूब पे इस चीज को लेके. एंड इट विल बी रियली 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 वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. लेकिन अब सिंस मैं वीडियो के एंड में हूं, मैं आपसे सिर्फ एक चीज बोल दूं, अगर अभी तक शुरुआत नहीं की है अब कर दीजिए. 90 दिन की पढ़ाई का शेड्यूल दिया है और 60 दिन रिवीजन के बचते हैं, 150 दिन अभी हैं, जिंदगी बदल जाएगी. और अगर अभी ये लग रहा है कि सर ये वीडियो देख के शायद मैं कर दूंगा, सर मैं कर सकता हूं सर, तो बस ये बात ध्यान रखिएगा, वेलकम टू जनवरी 2022. योर निखिल सर विशेस यू हैप्पी न्यू ईयर, अ न्यू ईयर दैट विल बी हैप्पी इफ यू मेक अ फ्रेश स्टार्ट. फाइन, सो सी यू ऑल इन द कमिंग क्लासेस, इन द कमिंग सेशंस ऑन यूट्यूब एज वेल एज द क्लासेस दैट यू हैव ऑन उड़ान. टिल देन टेक केयर, टाइम्स आर टफ विद ओमिक्रॉन एंड डेल्टा टुगेदर एंड व्हाट्स एवर द न्यू वेरियंट्स, नॉट टू वरी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टडी वेल, मीट द जनवरी टारगेट एंड क्रैक नीट 2022 विद द फ्लाइंग कलर्स. गुड नाइट.